वंदे मातरम गाने को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने एमआईएम के विधायक वारिस पठान से वंदे मातरम बोलने को कहा, लेकिन वारिस पठान ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र विधान भवन के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम को लेकर किस तरह से दो विधायक राज पुरोहित बीजेपी के और वारिस पठान जो है एमआईएम के भिड़े हुए हैं वंदे मातरम को लेकर, आप देख सकते हैं। इस देश के लिए हमने काफी बंदी लगाने की मांग कर रहे हैं, बंदी एमआईएम पर बंदी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंदी लगानी चाहिए, ताला लगाना चाहिए एमआईएम पर। जो वंदे मातरम बंदी एमआईएम पर कोई नहीं लगा सकता, नेशनलिस्ट पार्टी है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश का प्रेम दिल में रखते हैं, नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म हमारे रोम रोम में बस लेंगे। वंदे मातरम बोलेंगे आप? गाना फोर्स नहीं कर सकते, जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले, मैं किसी को रोकता नहीं। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलने की बात वो कह रहे हैं, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। आप कह रहे कि बंदी लगनी चाहिए, एमआईएम पर करनी चाहिए, एमआईएम पे बंदी 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 करनी बंद करनी है। इनके नेता ने क्या कहा? मुझे फोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रुका के रखा है, क्या कर रहे हैं? ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नोटंकी चल रही है और वारिस पठान जो है बैठ गए यहाँ पर। आप उठाएंगे मामला सदन में? सदन में मामला उठाएंगे आप? ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। ये देश के गद्दार है, एमआईएम पार्टी गद्दार है, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। अगर इनको बंदे सदन में मामला उठाएंगे? बिल्कुल, इन्होंने जो उठा दिया हमने, तो हमने ये कहा है, इनके नेता ने कहा कि मिलिट्री पुलिस को हटा दो तो देश में खून की नदियां बहा देंगे। तो बैठ गए, बोल रहे कि नहीं गाएंगे किसी भी हाल में नहीं गाएंगे, बैठ गए। हाँ, ये तो जानबूझकर बैठे हैं, ये नाटक है, नाटक इनका। वारिस पठान जी राजपुरे कह रहे हैं आप यहाँ पे बैठ गए, नाटक कर रहे हैं, नाटक ये लोग कर रहे हैं। ये लोगों ने रोका मेरे को, पब्लिसिटी के लिए नाटक, ये लोगों ने मेरे को रोका, मैं नहीं रुका। ये लोग, आई रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑर्डर, बट द कोर्ट नेवर सेड दैट यू हैव टू फॉलो दिस। नहीं कहेंगे तो देश में नहीं रह पाएंगे आप। अरे देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश पे जितना उनका अधिकार है उससे ज्यादा हक मेरा है। वारिस पठान जी, कल शिवसेना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाए, शिवसेना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाए अगर नहीं। किसी के बाप का देश नहीं है ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। सांसद ने कहा दिया कि आप इस्तीफा दे दे अगर नहीं गाएंगे तो, बीजेपी के सांसद ने, वारिस पठान जी, माफी मांगना पड़ेगा, राजपुरोहित को माफी मांगनी पड़ेगी इस बात पर आ रही है। और आप देख सकते किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। राजपुरोहित इन्होंने उकसाने की बात कही और कह रहे कि बीजेपी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बातें कर रही है। वंदे मातरम गाने को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने एमआईएम के विधायक वारिस पठान से वंदे मातरम बोलने को कहा, लेकिन वारिस पठान ने कहा चाहे कुछ भी हो वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये लोगों ने रोका मेरे को, पब्लिसिटी के लिए नाटक, ये लोगों ने मेरे को रोका, मैं नहीं रुका। ये लोग, आई रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑर्डर, बट द कोर्ट नेवर सेड दैट यू हैव टू फॉलो दिस। नहीं कहेंगे तो देश में नहीं रह पाएंगे आप। अरे देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश पे जितना उनका अधिकार है उससे ज्यादा हक मेरा है। वारिस पठान जी, कल शिवसेना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाए, शिवसेना ने